कौटिल्य के में इंदौर से कोचिंग कर रहा जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ नर्स गीता द्विवेदी के बेटे राहुल द्विवेदी ने यूपीपीएससी की परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। राहुल द्विवेदी सीधी जिले के कुबरी सिमरिया के निवासी हैं, जो सामान्य परौहा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता कृष्णपाल द्विवेदी सामान्य कृषक हैं और माँ सहित चारों बहनें स्टाफ नर्स हैं। राहुल की प्राथमिक शिक्षा SBI सिमरिया से हुई और आगे की पढ़ाई रीवा से संपन्न हुई। राहुल शुरू से ही होनहार थे, कुछ करने कुछ बनने की ललक थी और राहुल ने करके दिखाया और समाज के लिए एक नजीर पेश की है। इस उपलब्धि को लेकर हमने राहुल से बात की तो राहुल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कौटिल्य एकेडमी के शिक्षकों के साथ कठिन परिश्रम को दिया है। आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस उपलब्धि को लेकर डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए राहुल द्विवेदी ने क्या कहा है। मैंने स्टार्ट किया था 5 साल बाद 2020 में मेरा पहली बार प्री निकला था UPSC का। पहली बार दिल्ली था, पहली बार निकल गया, इंटरव्यू तक पहुँचा लेकिन 15 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। फिर दूसरी बार दूसरा अटैम्प था मेरा, दूसरी बार दिया तो इसमें मेरे को 14वीं रैंक मिली थी UPSC में। तो इसमें देखिए 5 साल का जो स्ट्रगल है कि शुरू में जो हमारा अगले जिला सीधे है वहाँ सिमरिया जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हुआ, उसके बाद 9th में मैं आ गया एक्सलेंस स्कूल सीधी में, तो वहाँ से मेरे 9 से 12 तक की शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने BSc किया मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से, BSc CS कर लिया और फिर 17 से मैं चला गया इंदौर और कौटिल्य एकेडमी ज्वाइन की और वहीं से 1 साल कोचिंग किया। फिर बाद में 4 साल स्वाध्याय किया, SBUC किया था और फिर सिलेक्शन लिया। बच्चे हैं जो पढ़ाई और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि यदि आप जो भी फील्ड चुन रहे हो उसमें बेस्ट कीजिए और यदि सफलता मिलने में लेट हो रहा है तो उसे घबराइए नहीं, क्योंकि सफलता यदि आप उसमें लगे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आपको सफलता एक ना एक दिन लगेगी। क्योंकि मुझे भी यहाँ लगे 5 साल, यदि मैं इस 5 साल के अंतर में सोचता बीच में छोड़ने का तो मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं भी ऐसी नॉर्मल स्टूडेंट जैसे रह जाता कि हाँ असफल हो गया, तो अपनी फील्ड में जैसे सिविल सर्विस हो या किसी और फील्ड में, मतलब बेसिक में सिविल सर्विस का अनुभव बताऊँगा कि इसमें आप लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको मिलेगा ही, सिलेक्शन मिलेगा ही कन्फर्म। तो इसलिए लगे रहिए अपने उसमें अपनी ईमानदारी से सिलेक्शन मिलेगा। थैंक यू।